भैया गाड़ी रोकिए, प्रेम रोको रोको रोको, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कब से फोन लगा रही हूँ मैं आपको, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। तेजस्विनी राठौड़ जी, आप इस पूरे राजपीपला की मालकिन, इस तरह रोड पे धूप में? नहीं नहीं नहीं, आपको तो महल के अंदर होना चाहिए था ना सारे प्रॉब्लम्स निपटाने के लिए। ये सब फालतू कामों के लिए मैं हूँ, मैं कर लूंगा। मूर्ति के बहाने हम दोनों को तोड़ने की कोशिश कर रही है प्रीति, तुम क्या चाहते हो, वो जीत जाए और हम हार जाएं? अरे अगर इतनी समझदार होती तो मूर्ति बनवाने के लिए ना नहीं करती, तो हार जीत का मसला ही खत्म हो जाता। प्रीत, कितनी सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? आवाज नीचे, पापा की कुर्सी घर में है, तो अपने ये तेवर घर में दिखाना। राजपीपला की गलियों में आज भी प्रेम का राज चलता है। प्रेम? और हाँ, मेरे पीछे पीछे घूमना बंद करो, समझी? पापा की मूर्ति लगवाने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी नहीं, और मैं मेरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा सकता हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारी किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। अगले 5 मिनट में अगर तुम लोग यहाँ से शराफत से नहीं गए तो फिर मैं तुम तीनों को अपने तरीके से निकलवाऊंगा। तो फिर ठीक है, देख लेते हैं तेरा तरीका आज क्या कर लेगा तू। प्रेम सिंह राठौड़ तुम्हें इस जगह से क्या, इस दुनिया से उठा देंगे। आपका ही इंतजार था, खेल तो अब शुरू होगा। पापा ने ये नहीं सिखाया, छोड़ो उसे।